जो एथिस्ट की तरफ से और जी तौर पे जब मैं एथिस्ट की तरफ जा रहा था मेरा भी यही ख्याल था कि खुदा एक कैफियत का नाम है किसी हस्ती का यानी महसूस नहीं होता उसकी वजह यह है कि जब हम देखते हैं कि दुखी होते हैं या हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हम खुदा की तरफ भागते हैं और जब हम खुशी में होते हैं या हमारे हालात अच्छे होते हैं तो ऐसा लग ही नहीं रहा होता कि खुदा जैसी कोई हस्ती जो है वो एग्जिस्ट भी करती है तो ये बिल्कुल रियलिटी उन्होंने बयान किया ऐसा ही होता है तकलीफ़ आती ही इसलिए है कि इंसान अल्लाह की तरफ रुजू लाए यह तो मुकदमा दीन का भी है ये उन्होंने कोई ऐसा यूनिवर्सल ट्रुथ एक्सप्लोर नहीं कर दिया जो इल्हामी किताबों में पहले से मौजूद ना हो दीन का मुकदमा ही इसके ऊपर कायम है कि दुनिया में अगर आपके साथ ज़्यादी होती है आपको कोई परेशानी मुसीबत आती है तो आप ये समझ लें कि ये हमेशा के लिए नहीं है बल्कि एक वक्त आएगा कि ये मुसीबत टल जाएगी और हमेशा की खुशियां आपका मुकद्दर हो जाएंगी ये तो पैकेज गॉड की तरफ से ही तो ऑफर किया गया और ये हकीकत बात है ये तो कुरान में जगह जगह ये बात आई है कि जब इंसान बिल्कुल खुशहाल होता है तो वो ऐसे हो जाता है गोया कि उसने कभी हमें पुकारा ही नहीं था जब हम उसकी ये तकलीफ दूर कर देते हैं पहले वो लंबी लंबी दुआएं मांगता है तो इसके अंदर डिनाइल ऑफ गॉड कहां से आ गया इसकी वजह से ये कैसे साबित हो गया कि खुदा हमारी जरूरत नहीं है ये तो चीज साबित करती है कि हमने खुदकुशियों से बचने के लिए और अपनी मुसीबत और परेशानी में एक मदावे के तौर पर एक हस्ती हमारे लिए मौजूद है जिसके आसरे हम अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं अब इसकी बुनियाद पे यह कहना कि यह हमने हस्ती इसीलिए मानी हुई है कि हम अपनी मुसीबत का वबाल किसी के ऊपर डालें तो ऐसा नहीं है यह तब होना था जब हम दुनिया में हमेशा के लिए रहते हमें कभी मौत ना आती हमारी जिंदगी खत्म ना होती हम अपनी मर्जी से दुनिया में आते और दुनिया से चले जाते जब हम इतने मजबूर हैं कि ना हमने अपने माँ बाप चूज किए ना हमने अपना इलाका चूज किया ना अपनी जिंदगी की लेंथ चूज की ना अपना रंग चूज किया ना अपने सरकमस्टांसिस चूज किए गिवन सर्कमस्टांसिस में हम दुनिया में आए ना तो हम तो इतने मजबूर थे इस हवाले से जिस सस्ती ने हमें पैदा किया उसने डेस्टनी में हमारे लिए मुकर किया गिवन सरकम अब उस हस्ती की पनाह में हम इसलिए आते हैं कि अब आंदा के लिए कोई उसकी रिक्वायरमेंट है तो जिस हस्ती ने मेरी मर्जी के बगैर मुझे पैदा किया और मुझे इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर पुट कर दिया वो आंदा भी मेरे साथ कुछ भी कर सकता है तो मैं उसे तलाश करूं और उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करूं तो ये तो दीन का मुकदमा खड़ा ही इसके ऊपर है हम बिल्कुल ये कहते हैं कि ऐसा ही है कि हम मुसीबत और परेशानी में बजाय खुदकुशी करने के मायूसी की जिंदगी गुजारने के एक हैप्पी जिंदगी गुजारे कि हम दुनिया में अल्लाह को रिस्पॉन्स करें हमेशा की कामयाबी हमारा मुकद्र होगी और इसके पीछे देखें इस जज्बे के पीछे जो अल्लाह ताला की जात है ये कितनी बड़ी नेमत है ये अकीदा हमारे लिए हमें चाहे कैमरे की आंख देख रही हो या ना देख रही हो हम तब भी किसी के साथ ज्यादा करने के लिए तैयार नहीं होते कि हमें अकाउंटेबल होना है अल्लाह तला की बारगाम है वो तो हमें देख रहे ना इसीलिए खलवत हो या जलवत हो हम किसी के साथ ज्यादा करने की कोशिश नहीं करते आप देख लें यूरोप में या अमेरिका में आपको जो अमन नजर आ रहा है वो कानून की हुक्मरानी की वजह से आज आप वहां पे कानून ढीला कर दें तो आप देखें वहां पे क्या होता है दो मिनट के लिए बिजली चली जाए तो क्या कुछ नहीं होता लेकिन हमारे इन मुल्कों में तो ऐसा नहीं होता यहां पे जो लोग गुनाह से जुर्म से बच रहे हैं तो खुदा के तारुफ की वजह से बच रहे हैं तो ओवरऑल तो हमने देखा है कि अल्लाह ताला का चेक इंसान के ऊपर एक ऐसा चेक है जो हर वक्त उसके साथ लगा है। हुआ है कैमरे की उसे देख रही है या नहीं देख रही है। उसके ऊपर कोई कानून है या नहीं है तो यह नेगेटिव पॉइंट बना के तो नहीं पेश करना चाहिए हां अगर हम मौत का शिकार ना होते हमें कोई दुख परेशानी ना आती और इस दुनिया में हम हमेशा रहते फिर खुदा हमारी जरूरत ना होती लेकिन अब तो देखें मौत की तलवार हमारे ऊपर लटक रही है उसके बाद उसने वही कुछ करना है जो अब उसने कर दिया आठ भी देखें साइंस की तरक्की के बावजूद क्या इंसानों ने मरना छोड़ दिया या बीमार होना छोड़ दिया या बच्चे किसी और तरीके से पैदा हो रहे हैं अब सारे के सारे मामलात रिश्ते वही हैं इसलिए इलाहा किताबें कभी पुरानी भी नहीं होती क्योंकि ये सोशल वैल्यूज को अखलाकियात को डील करती है बाकी सारी की सारी थ्योरीज आप देखते हैं वक्त के साथ साथ इंप्रूव करती हैं लेकिन मजहब कभी पुराना नहीं होता आप इलामी किताबें चाहे कुरान से पहले की उठाएं चाहे बाद की बेसिक तालीमत आपको वही मिलेंगी वो भी इंसान की जरूरत है तो चूंकि खुदा हमारी जरूरत है इसलिए कि हमें मौत आ जाती है उसने एक एक्टिविटी तो परफॉर्म कर दी है कि हमारी मर्जी के बगैर हमें यहां पे पुट कर दी है अब आगे भी जो उसने करना है वो कर गुजरना है हमारे साथ कोई हमदर्दी के दो बोल भी नहीं आगे बोल सकता यहां पे भी आप देख लें जो शख्स बिस्तरे मर्ग पर होता है तो जितने लोग यादत के लिए आए होते हैं वो उसकी तकलीफ तो नहीं बांट रहे होते कि आज के दिन की जो सौ फीसद तकलीफ है उसमें से दस फीसद ये भाई उठाएंगे दस फीसद ये उठाएंगे दस फीसद और ये सौ पूरा हो जाए नहीं वो अकेला बंदा ही तकलीफ काट रहा है उसके बीवी बच्चे भी वो तकलीफ में उसको शेयर नहीं करते और वो अकेला तकलीफ काट के दुनिया से चला जाता है जमीनों आसमान की सारी मखलूकत मिलकर अपनी एफर्ट पुट करके भी उसको उस मुसीबत से छुटकारा नहीं दिलवा सकते जो उसकी डेस्टनी में लिखी हुई है अल्लाह तजमाइश के तौर पर लेकिन आखिरत की कामयाबियां अगर उसका मुकदर हुई है, तो फिर यह पचास साठ सत्तर अस्सी सौ साल की कुर्बानी के बाद हमेशा की कामयाबियां अगर मुकदर हो जाए तो यह तो बहुत सस्ता सौदा है इसी को अल्लाह तला ने फरमाया कि हमने मोमिन की जाने और माल जन्नत के बदले में उनसे खरीद लिए इस बायत के ऊपर इस तजारत के ऊपर खुशियां मनाओ कितना बड़ा सौदा तुमने कर लिया है कि जान और माल अल्लाह को दे के हमेशा की कामयाबियां तुम्हारा मुकद्दर हो रही है अलहदुल्ला